है एवरीवन, दिस इज कार्तिक, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आपके आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कार्तिक सर का प्रॉमिस है, मतलब दावा है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 10 साल के पूरा पेपर को एनालिसिस करने के बाद, गो थ्रू करने के बाद, पूरी अच्छी तरह से मैंने अपना गेस्ट पेपर बनाया है जिसमें से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा बोर्ड में, ठीक है। सो गाइस, देखते हैं इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड में। अगर आप वीडियो नहीं देखें बहुत बड़ी पछताओगे, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया हूँ उसको पढ़ के जाना है। सो गाइज, मैं कहना चाहूँगा आप लोग से कि जो मतलब आप जैसे चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप पहले बुक खोल के, नोटबुक अपना खोल के बैठिए, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पहले देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन उसका देखिए, ठीक है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आना ही आना है, राइट गॉस लॉ एंड प्रूव इट। गॉस लॉ देखना है और क्या करना है, इसको प्रूव इट का आ जाता है, प्रूव करने के लिए। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड पूछ जाता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे एंड पोटेंशियल, ये आपको देखना है। राइट द किरचॉफ लॉ, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये दो क्वेश्चन में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, राइट द किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करना है, एक्सप्रेशन उसका निकालना है किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। ये सब क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में बहुत बार पूछा गया, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में कभी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और क्वेश्चन आ जाता है क्या कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ फॉर ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। तो ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको करना है। सो ये देखते हैं क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड से बायोट सेवर्ट ला पूछना है। एक नंबर में पूछे या 4 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा तो क्या सारा आएगा, पूरा क्वेश्चन आएगा। राइट बायोट सेवर्ट ला डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉयल बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ का क्या डिफिनेशन लर्न करना है और उस पर सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉयल पे क्या एक्सप्रेशन निकालना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या साइक्लोट्रॉन का, और डायग्राम भी इसका लर्न करना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, साइक्लोट्रॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, साइक्लोट्रॉन को तैयार करना है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन विद नीड डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और MCG आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस टॉपिक है, हमें हर बार बोर्ड का मतलब पसंदीदा टॉपिक रहा है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका क्या है डायग्राम भी लर्न कर लीजिएगा। इसमें करंट सेंसिटिविटी पूछता है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG। वही अगला क्वेश्चन है क्या, ट्रांसफार्मर AC से क्या ट्रांसफार्मर पूछ देगा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। डायग्राम भी पूछता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो डायग्राम के साथ इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग लर्न करना है आपको। ये क्वेश्चन 6 नंबर में अगर आएगा तो पूरा आएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आएगा क्वेश्चन क्या, ट्रांसफार्मर में कैसे क्या होता है, व्हाट इज ED करंट पूछ देता है, हाउ इज इट अननेसेसरी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है गाइज। सो ये एडी करंट पे क्वेश्चन आता ही आता है, कभी 1 नंबर पूछ देता है, कभी 4 नंबर में, ऐसे 3-4 क्वेश्चन एक ही में ऐड करके पूछ देता है। AC का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटिंग करंट में क्वेश्चन आया है, पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, रिलेशनशिप जो मैं बता रहा था, एंड ऑप्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। सो गाइस, ये क्वेश्चन AC के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब तैयार करना है। सो गाइस, अब देख लेते हैं ऑप्टिक्स से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला। ऑप्टिक्स जानते हैं कितना उसका वेटेज, बहुत ही अच्छा होता है वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है उसका। तो इस्टेब्लिश द फॉर्मूला μ2 μ1 μ1 r फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सबलेस। ये कई बार इस्टेब्लिश करने के लिए, कई बार प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश द लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/r = μ-1, 1/r1 - 1/r2। ये क्वेश्चन देखना है, लेंस मेकर फॉर्मूला इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेव।
फॉर प्रिज्म, सो दैट फॉर प्रिज्म, प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, ऑप्टिक्स का। तो म्यू इक्वल टू क्या, साइन म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू, ये प्रूव करने के लिए पूछ देता है कई बार। और इसका डायग्राम भी होता है जो इस शेप में होता है कुछ, ठीक है। अब फिर गाइज अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस द सिस्टम ऑफ टू इक्विवेलेंट लेंसेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस देन डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकस एंड पावर, ठीक है गाइज। जैसे मान लो दो लेंस रख दिया कोई भी, उसके बीच में डी डिस्टेंस दे दिया, पूछा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकस, व्हाट इज इक्विवेलेंट पावर। ये क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, ऑप्टिक्स से आते ही आते हैं। सो गाइज ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप में एक क्वेश्चन तो आना ही आना, ठीक है। तो एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, डायग्राम पे भी नंबर होता है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का कभी भी प्रूफ लर्न करें तो उसके डायग्राम के साथ लर्न करें। एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड यूज, इन सब का यूज भी पूछ देता है एक दो नंबर में कभी कभी। तो समझ गए क्या इमेज फॉर्मेशन क्या बताना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप द्वारा, कोई एक पूछ सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, डायग्राम भी लर्न करना है उसका, और क्या करना है मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन लर्न करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछ देगा एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ देगा, ठीक है। अब अगला आता है क्या, राइट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्स, ठीक है। एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस वही पढ़ के जाना है, ठीक है। आप जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े बस यही पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। और जो बच्चे टॉप करने वाले ये पढ़ लेंगे तो क्या कर लेंगे, और भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। जो 90 ला रहा था 95 लाएगा, ठीक है। जो 95 ला रहा था 99 लाएगा, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको क्या करना है, एकदम मन से करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज जीनर डायोड, एक्सप्लेन इट्स यूजेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जी सेमी कंडक्टर। व्हाट इज जीनो डायोड, एक्सप्लेन इट्स यूजेज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। पहले क्या होता था कि गेट जो गेट होते हैं और गेट ये सब आते थे, लेकिन इस बार कोर्स से हट गया, ठीक है। तो जीनो डायोड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमी कंडक्टर। इसका क्या करना है, डायग्राम भी आपको तैयार करना है। एक्सप्लेन इट्स यूजेज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। जीनो डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। तो सो गाइस बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड्स क्या क्या हैं, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैप्टर से ये सब क्वेश्चन आने ही आने हैं। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मॉड्यूलेशन से, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन एंड समथिंग। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्लेन इट डिफरेंट टाइप्स। जितने भी मॉड्यूलेशन होता है, कभी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करता है, कभी एम्पलीट्यूड को, तो ये क्या करना है, लर्न करना है। और सो क्या सेमी कंडक्टर से जीनर डायोड के अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक तो आएगा। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर विद सर्किट डायग्राम। डायग्राम सर्किट डायग्राम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे नंबर दो नंबर तो फिक्स ही होता है जब छः नंबर क्वेश्चन आएगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टेज टाइम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। तो सेमी कंडक्टर से क्या आ रहा है, दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जीनर डायोड को कैसे वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, वर्क करता है, और पीएन जंक्शन डायोड को कैसे फुल वेव रेक्टिफायर में यूजेज क्या है, और वोल्टेज इनपुट आउटपुट क्या, ग्राफ भी लर्न करना है आपको। और एक क्वेश्चन है, डेराइव डिफाइन वेव फंक्शन से, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन, डिफाइन इंटरफेरेंस डिफाइन करना है। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट, YDSC एक्सपेरिमेंट, फेमस है YDSC, ठीक है। तो इसका क्या बताना है, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है, फ्रिंज विड्थ YDSC। सो गाइस अभी तक मैंने जो 22 क्वेश्चन बताए हैं, मैंने गेस किया है क्वेश्चन पेपर, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। सो गाइस जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी टेंशन ना ले, पढ़ के आप पास हो जाओगे। जो टॉप कर रहे हैं वो और भी टॉप कर, जैसे जो 90 लगा 95 आ ही जाएगा, ठीक है। 95 क्रॉस कर सकता है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो गाइस अगर जो भी आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप कमेंट्स करें, जैसे मैं आपको कैसा लगा है वीडियो, और आप किस किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम ही बचे हैं, ठीक है। तो मैं आपके डाउट
आपको दूर करने के लिए यहाँ बैठा होगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो सो गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारियाँ जल्दी मिल सके, क्योंकि हमारी डेली वीडियो आती रहेगी, क्योंकि आपको बोर्ड की एग्जाम मिलती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफर फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट डाउट। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।